Well, letter to editor is one of the important part of learning. Right from nine to twelve standard, there may be a question of letter to editor in your question paper. Now, how to write letter to editor perfectly so that you get maximum marks in this particular question? सबसे पहले इसके फॉर्मेट को मैं दिखाऊंगा एंड देन आई विल पिक अ वन क्वेश्चन आई विल ट्राइ टू शो यू इन अ मोस्ट सिंपल्स वे एकदम सहज तरीके से जैसे कि आप आसानी से से letter to editor तैयार कर सकें आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो किसी भी टॉपिक पे आप लेटर टू एडिटर को आराम से लिख पाओगे सो लेट लेटर सी द फॉर्मेट एट फर्स्ट एंड देन आई वेल सो यू द क्वेश्चन एंड देन द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन सबसे पहले इसके फॉर्मेट को देखता हूँ सिंपल फॉर्मेट ऑफ लेटर टू एडिटर आई रिटन सेंडर्स एड्रेस एट फर्स्ट सबसे पहले एड्रेस आएंगे ये टू टू थ्री लाइंस में लिखे होने चाहिए सेंडर्स एड्रेस हैज़ टू टू बी रिटन इन लाइंस एंड देन यू लीव अ लाइन इसके बाद आप डेट लिखते हो डेट बाई गिविंग स्लैश स्लैश दे के डेट नहीं लिखनी चाहिए और डेट कैसे लिखना चाहिए एक जब मैं सैंपल दिखाऊंगा इस पर तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि डेट एग्जैक्टली exactly कैसे लिखे जाने चाहिए इसके बाद एक लाइन फिर छूटता है आपका एंड फिर आपके रिसिवर स्टेट्रेस लिखने होते हैं यहाँ पे तो द रिसीवर स्ट्रेस इज वेरी मच क्लियर टू यू यू आर एक्चुअली राइटिंग टू द एडिटर तो आपने लिखा द एडिटर एंड देन यू राइट ऑन द न्यूज पेपर्स नेम एंड प्लेस जनरली जिस जगह पे आप रहते हो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी इंसिडेंट हो तो आप वहाँ के न्यूज़पेपर न्यूज़ एडिटर को लिखते हो और फिर वही वो स्प्रेड होता है न्यूज़ आपके न्यूज़ पब्लिश होते हैं और सर्कुलेट होते हैं चारों तरफ फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होता है तो एंड देन यू लीव अ लाइन वंस अगेन हियर तो एडिटर मैंने कहा न्यूज़ पेपर्स नेम एंड द प्लेस एज वेल इसके बाद एक लाइन छूटता है यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होता है यू विल मैंसन हियर द सब्जेक्ट आप किस लिए लेटर लिख रहे हो क्या आपके प्रॉब्लम है आपको सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर लिखना पड़ता है इसके बाद एक लाइन यहाँ पे छोड़ना पड़ता है आपको फिर सेल्यूटेशन पार्ट है सर या मैडम आप जैसे यूज करें डिपेंड्स अगर आपके एडिटर मेल हो वहाँ के पेपर के एडिटर तो आप सर यूज करते हो अदरवाइज आप लेडी हैं तो फिर आप मैडम यूज करते हो एनी वे सेल्यूटेशन पार्ट में सर या मैडम यूज़ करें एंड देन द बॉडी ऑफ़ द लेटर स्टार्ट एग्जैक्टली अंडर द सेल्यूटेशन पार्ट सेल्यूटेशन के ठीक नीचे से आप बॉडी स्टार्ट करते हो लिखना शुरू करते हो एंड देन इट गोज ऑन थ्री टू फोर लाइन्स फाइव सेंटेंसेस इन फैक्ट इसी को मैं देर इज़ अ लिटिल स्पेस हियर मैं इसी चीज़ को मैं यहाँ पे ऊपर दिखा रहा हूँ आप देख सकते हो मैंने लिखा है बॉडी कंटिन्यूज द लेटर विल कंटिन्यू हियर एंड देन आफ्टर राइटिंग फोर टू फाइव सेंटेंसेस आप पैरा चेंज करते हो पैरा चेंज करके फिर आप रिक्वेस्ट करते हो एग्जैक्टली exactly जो प्रॉब्लम है कंसर्न ऑथॉरिटी को आप रिक्वेस्ट करते हो टू शॉर्ट आउट द मैटर एंड फाइनली यू कंक्लूड द लेटर विद द वर्ड्स लाइक योर्स ट्रूली और फेथफुली आप ट्रूली लिखें या फेथफुली लिखें दोनों में से एक लिखें एंड द नेम नेम हैज टू बी द सेम जो सेंडर्स नेम है वही नाम यहाँ पे होना चाहिए द सेम नेम हैज टू बी रिटर्न इट इज़ नॉट द प्लेस टू राइट योर ऑन नेम क्वेश्चन पेपर में क्लियरली दिए रहते हैं दैट यू आर सच एज सच तो आप जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया होगा सेंडर्स एड्रेस में उसी नाम को यहाँ पे लिखना पड़ता है दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेटर टू एडिटर आई एम गोइंग टू टेक वन क्वेश्चन एंड

वेल आई हैव टेकन ए क्वेश्चन हेयर सपोज यू आर रहमत लिविंग इन ट्वेंटी ए ईशान कम्प्लेक्स दरियागंज न्यू डेली राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स एराइजिंग ड्यू टू इलीगल पार्किंग इन योर लोकेलिटी दिस इज वॉट द क्वेश्चन आई हैव रिटन हेयर आप क्लियरली देख सकते हो आप कौन हो आप रहमत हो आपके एड्रेस कहाँ हैं ट्वेंटी वन स्लेश ईशान कम्प्लेक्स दरियागंज न्यू डेली ये सेंड्रेस सेड्रेस हो गए डेट तो आपको खुद ही लिखना पड़ता है जिस दिन आप लिख रहे हो उसी दिन का डेट होना चाहिए एंड देन यू आर राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर आप रिसीवर्स कौन हैं तो एडिटर हैं ऑफ़ एन इंग्लिश डेली आपने देखा होगा मैंने यूज़ किया है इंग्लिश डेली ठीक है लुक यार इंग्लिश डेली स्टैंड फॉर एनी न्यूज़ पेपर पब्लिश इन इंग्लिश इन योर लोकेलिटी आपकी लोकेलिटी में जो कोई भी इंग्लिश पेपर जो पब्लिश होते हैं उसका नाम होना चाहिए इंग्लिश डेली इज नॉट द नेम ऑफ एनी न्यूज़ तो जब भी कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखा रहे तो आप यूज़ कर सकते हो कोई पेपर का नाम जैसे द टेलीग्राफ द टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदुस्तान टाइम्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड देन एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू इलीगल पार्किंग आपके प्रॉब्लम क्या है इलीगल पार्किंग है इससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आपकी लोकेलिटी में इलीगल पार्किंग है आपके जो स्ट्रीट हैं द प्लेस वेयर एग्जैक्टली यू आर लिविंग उसकी लोकेलेटी में अपने गाड़ी को पार्क करते हैं बिसाइड द रोड्स So which is why the problem is coming up. And of course the problem will come up when the people park their vehicles by the side of roads. So obviously you will be forced to walk on the street. So I have written this question here. Let us see I am preparing the answer to this question in a very simplest way using that particular format. तो चलिए इसके आंसर कैसे लिखते हैं इसे मैं दिखाता हूं और कुछ ऐसे लाइंस जिसे यूज करके आप आसानी से किसी भी मैटर पे किसी भी टॉपिक पे लेटर टू एडिटर तैयार कर सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हो तो चलिए इसके आंसर को देखता हूं सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस ट्वेंटी वन स्लैश एसान कॉम्प्लेक्स दरियागंज न्यू डेली इसके बाद एक लाइन छुट्टा यहां पे जैसे मैंने बताया था आपको

जैसा क्वेश्चन में मैंने दिया था एन इंग्लिश डेली और मैंने आपको क्लियरली बताया था एन इंग्लिश डेली इज नॉट द नेम ऑफ एनी न्यूज़ पेपर तो आप कोई पेपर का नाम लिखना होता है न्यूज पेपर का नाम जो आपकी लोकेलिटी में पब्लिश होता हो और उस जगह में सर्कुलेट उस जगह में लोग पढ़ते हो उसे ऐसे पेपर का नाम लिखना है लेट अस सपोज द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड देन यू राइट डाउन द प्लेस प्लेस आप लिखो यहाँ पे न्यू डेली लिखता हूँ एंड देन लीव अ लाइन वंस अगेन हियर एंड देन जस्ट बुट ऑफ द सब्जेक्ट योर सब्जेक्ट इज वेरी क्लियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट हैं प्रॉब्लम्स ड्यू टू इलीगल लाइन वनस अगेन एक लाइन फिर से यहाँ पे छोड़ते हो आप फिर सेल्यूटेशन पार्ट स्टार्ट करते हो सर एंड आउ एम गोइंग टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ द लेटर एग्जैक्टली अंडर द वर्ड सर इसके ठीक नीचे से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ देखिए थ्रू अ शॉर्ट कॉलम of your steam daily i would like to express my strong views regarding the problems arising due to well there is a little space here and answer the remaining answer i am trying to show you फ्टर रबिंग दिस बोट इसके बाकी के आंसर को मैं इसे रब करके फिर से ऊपर से लिख दिखाता हूं ड्यू टू इलीगल पार्किंग एंड देन यू चेंज अरा फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथस देर हैज बिन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द इलीगल पार्किंग इन आर लोकेलिटी पीपल Use the roadside as parking place. People use the roadside as parking slot. Buses, vans, etc. can be seen standing beside the roads. The common people are forced to walk on the roads with the result they often meet with the accident despite several reminder nobody bothers to pay attention to the problem how long it will go on will there be no solution

from the last few months there has been a lot of problems due to illegal parking in our locality people use the roadside as parking slots motor cars buses vans etc can be seen standing beside the roads the common people are forced to walk on the roads with the result they often meet with the accidents despite several reminders nobody bothers to pay attention to the problem how long it will go on will there be no solution to the problem होप द कंसर्न अथॉरिटी वु टेक इमिडिएट एक्शन टू शॉर्ट दर प्रॉब्लम दिस इज वॉट आई है इसके नीचे का पार्ट मैं थोड़ा सा और छूट गया इसे मैं रब करके बोर्ड को ऊपर लेके दिखाता हूँ तो चलिए इसके फिनिशिंग पार्ट को लिखता हूँ यूर्स ट्रूली और फिर आपको नाम लिखना होता है जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखे हैं सेंड्रेस सैड्रेस में आपने लिखा था अपना नाम एज रहमत तो आपको भी वही नाम लिखना होता है यहाँ पे रहमत So, this is how I have prepared the answer to the question I have taken. I'm very sure you must have enjoyed the video. If there is anything relating to this, you may comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel, DK English World. Thank you so much for watching the video.